हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल मेडीहट। एंड आज हम बात करने वाले हैं टैबलेट ZE-250 के बारे में। क्या इसके यूज़ है, क्या डोज़ है एंड क्या साइड इफ़ेक्ट है, सब कुछ जानेंगे आज हम इस वीडियो में। वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ चैनल को लाइक कर लें एंड सब्सक्राइब भी कर लें। अब हम बात करते हैं ZE-250 टैबलेट के बारे में, जो कि इसका ब्रांड नेम है। और हम कंपनी की बात करें तो इसको मेनकाइंड कंपनी के द्वारा बनाया जाता है और ये काफ़ी सारे ब्रांड नेम से भी आपको मार्केट में मिल जाएगी, जैसे AG 250 के नाम से आती है और AG 250 के नाम से भी आती है। पर हम आज बात करने वाले हैं ZE-250 टैबलेट के बारे में। और हम बात करते हैं इसके कंपोजिशन के बारे में, यानी इसके अंदर साल्ट क्या पाया जाता है। तो इसके अंदर साल्ट जो पाया जाता है वो एजिथ्रोमाइसिन पाया जाता है, जो कि 250 मिलीग्राम में पाया जाता है। अब हम बात कर लेते हैं इसके MRP के बारे में, यानी आपको ये कितने रुपए की टैबलेट मिल जाएगी। तो ये 110 रुपये का पत्ता आता है, जो कि आपको 10 गोली का मिल जाएगा, यानी 11 रुपये की एक टैबलेट आपको मार्केट में आसानी से मिल जाएगी। और अब हम बात कर लेते हैं इसकी स्ट्रेंथ के बारे में, यानी कितने कितने मिलीग्राम में पाई जाती है। तो ये 250 मिलीग्राम में भी आती है और 500 मिलीग्राम में भी आती है। अब हम इसकी बात कर लेते हैं यूज़ के बारे में, यानी इसका काम क्या है। ये ज़्यादातर बैक्टीरियल से होने वाले बीमारी में ही इसको दिया जाता है। अगर आपके बच्चे के गले में या कान में बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो गया है तो उन सब समस्याओं में इसको दिया जाता है, जैसे कि निमोनिया हो गया है या ब्रोंकोटाइटिस हो गया है या कान में इन्फेक्शन हो गया है या गले में इन्फेक्शन हो गया है या लंग्स में इन्फेक्शन हो गया है, तो उन सब इसमें इसको दिया जाता है। अब हम बात कर लेते हैं इसकी कि क्या है। तो ये जो है एजिथ्रोमाइसिन जो है ये एक एंटीबायोटिक मेडिसिन है, जिसका हम जनरली इस्तेमाल जो है बैक्टीरियल इन्फेक्शन में करते हैं। अब हम बात कर लेते हैं इसकी डोजेस के बारे में कि इसकी डोज़ हमें कितनी कितनी लेनी चाहिए। तो आप जब भी आप इस टैबलेट को लें, पहले एक बार अपने डॉक्टर से कंसल्ट कर लें एंड उसके बाद ही ये लें। जनरली वैसे इसको 5 साल से 15 साल या 18 साल तक के बच्चे की वेट के अनुसार दिया जाता है। ये केवल छोटे बच्चों के लिए होती है, जो एडल्ट होते हैं यानी 18 से ऊपर उसके अंदर 500 मिलीग्राम वाली चलती है। जो 250 मिलीग्राम है आप इसको सुबह शाम भी दे सकते हैं, या अगर दिक्कत ज़्यादा है तो सुबह दोपहर शाम भी आप दे सकते हैं। पर आप जब भी इस मेडिसिन को दें, पहले एक बार अपने डॉक्टर से कंसल्ट कर लें एंड देन उसके बाद ही आप इसको लें। अब हम बात कर लेते हैं इसकी साइड इफ़ेक्ट के बारे में कि इसके क्या क्या साइड इफ़ेक्ट हो सकते हैं। इसके कोई इतने ज़्यादा साइड इफ़ेक्ट नहीं है, केवल साइड इफ़ेक्ट जब देखे गए हैं या तो आपने इसको ज़्यादा मात्रा में दे दी हो या आपने इसको गलत तरीके से दे दिया हो। तो उन सब समस्याओं में क्या क्या साइड इफ़ेक्ट होते हैं, तो नोज़िया हो सकता है, वोमिटिंग हो सकती है बच्चे को, या स्टोमच में पेन हो सकता है। एंड मैंने आपको इसके यूज़ भी बता दिए, डोज भी बता दी एंड साइड इफ़ेक्ट भी बता दिए। एंड आई होप यू लाइक दिस वीडियो। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।